नहीं हुए। बताते हैं कि मुख्यमंत्री के एक नजदीकी व्यक्ति का हाथ उनके सर पर है। साथियों, वो व्यक्ति इस सिटी को चलाएगा, क्या उस व्यक्ति को अधिकार है कि इस विश्वविद्यालय में वो दखल दे? साथियों, जिस तरीके से प्रवेश परीक्षा परिणामों में किसी छात्र के 0 नंबर, किसी सब्जेक्ट में तो उसके आ रहे 75% और दूसरे सब्जेक्ट में उसको 0 देखता, ये लोग इन्होंने काली कमाई का एक गोरखधंधा साबित कर रखा है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार इसके नाम पर ये लोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात ये है कि इनको आवाज उठाने के बाद उन छात्रों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। जो छात्र इनके विरोध में आवाज उठाते हैं उनको इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, फेल करने की धमकियां दी जाती है। विद्यार्थी परिषद हमेशा इन चीजों के खिलाफ रहा है। साथियों, जब तक हमारी इन मांगों को विद्यार्थी परिषद ने पहले भी कई ज्ञापन दिए हैं, एक्सटर्नल कंट्रोलर को हटाओ और एक व्यक्ति एक पोस्ट का नारा विद्यार्थी परिषद पहले भी दिया था, एक व्यक्ति के पास में एक पोस्ट रखो। क्या विश्वविद्यालय में योग्य प्रोफेसरों की कमी है? क्या इस विश्वविद्यालय में योग्य प्रोफेसर नहीं है? उन प्रोफेसरों को आप दायित्व दो, उन्हें जिम्मेदारी संभालो। लेकिन 4 साल से एक ही व्यक्ति को एग्जामिनर कंट्रोलर रखना और एक ही फर्म को टेंडर देना, ये करोड़ों का भ्रष्टाचार विद्यार्थी परिषद नहीं सहन करेगा। हमने RTI में जवाब मांगा, लेकिन RTI में भी ये लोग तुमको कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी की चीज है, इसे हम नहीं कर सकते। आप किसी फर्म को लगातार टेंडर देते जा रहे हो, करोड़ों का भ्रष्टाचार आप करते हो। आपने एमपैक के लिए आप लोगों ने काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, आपको एमपैक करानी चाहिए। हम मांग करते हैं कि रिसर्च के छात्रों की जो DRC होती है उसका रजिस्ट्रेशन लेटर ऑनलाइन करो। इस विश्वविद्यालय में जो छात्र है वो छात्र और स्टेडियम ब्लॉक के चक्कर लगाते हैं, उन छात्रों के लिए आवाज बनकर विद्यार्थी को समझता है। कार्यकर्ता, यदि सिंडिकेट में ये लोग बात हमारे नहीं सुनेंगे, हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। साथियों, पहले भी हम लोगों ने सिंडिकेट का खिलाफ किया है और आज इन्होंने सिंडिकेट की बैठक को कैंसिल किया है, जो इनकी निरंकुशता को दिखाता है। एक व्यक्ति सिंडिकेट का मेंबर कहता है मुख्यमंत्री के आदेश से हम बैठक नहीं करेंगे। अरे मुख्यमंत्री जी मना थोड़ी करते हैं कि आप काम करोगे नहीं करोगे। सिंडिकेट में डिग्रियां छप गई, लाखों रुपए का जो गबन जिन लोगों ने डिग्रियों के नाम पर किया, डिग्रियां छपने के लिए सिंडिकेट की जो सदस्य उनकी अप्रूवल नहीं होती है। आप सिंडिकेट की बैठक की अप्रूवल नहीं मिलने से कम सैकड़ों जो सैकड़ों हमारे क्वेश्चन के सैकड़ों जो काम होने वाले थे वो बैठक के कारण कैंसिल हो गए। आप कहते हैं सेशन लेट हो गया, सेशन लेट सिंडिकेट के सदस्य कर रहे हैं। फिर सिंडिकेट के सदस्यों के दबाव में आज मुझे नहीं चलने वाली है। सिंडिकेट के सदस्य जिस तरीके से राजनीतिक व्यस्तता रखते हुए यहाँ के शिक्षकों को यहाँ के छात्रों को लड़ाते हैं,